माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक विधानसभा क्षेत्र जेतारण मंत्री जी साथ से प्रश्न पूछ ले, प्रश्न उत्तर बड़ा माना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, प्रश्न के उत्तर में मुझे दो सूची दी गई है, एक शहीद जेतारण विधानसभा क्षेत्र में 1999 से पूर्व और एक 1999 के बाद। तो 1999 से पूर्व आपने बताया कि दो शहीद हुए हैं, शहीद कूप सिंह और शहीद पूरण सिंह, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय ये निवेदन करूंगा कि एक शहीद प्रेम सिंह है जो 21/7/1990 को शहीद हो गए थे, और ये प्रमाण पत्र मेरे पास में है, कार्यालय कमांडेंट 28 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मार्फत 56 सेना मंत्रालय, इसकी जांच रिपोर्ट में उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है कि ये 1990 में शहीद हो गए। तो एक तो ये जानकारी जो है आपके विभाग ने गलत दी है कि 1999 पूर्व। गलत जानकारी के बारे में आपको पूरा अधिकार है प्रश्न पूछने का, यहां उसमें क्या समझा मेरे को? मैं एक सर, आप दोनों बातें कर रहे, गलत आपको अधिकार है, गलत है, गिव द प्रूफ, एक्शन विल बी टेकन। जी सर जी, उसका क्या संबंध है? मेरा निवेदन था, एक तो ये है कि जो शहीद प्रेम सिंह ये 1990 में शहीद हो गए, सूचना नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि एक तो इसमें उत्तर में आपने दिया है कि इनको जो कुछ, एक तो भूमि परिशिष्ट ख के अंदर दी है, शहीद कूप सिंह के परिवार को 20/9/2022 को विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया, इनको जमीन कब तक अवेलेबल करा देंगे? एक इसी में परिशिष्ट ख के अंदर एक और है, उसको ये सरकारी अनुकंपा नियुक्ति के लिए के जिला कलेक्टर पाली के पास में शहीद पूरण सिंह रावत गांव भिला, उसका वो प्रकरण लंबित है। तो एक तो जमीन का, एक अनुकंपा नियुक्ति का, ये दोनों प्रकरण 9/22 के लंबित है, इनको कब तक पूरा कर दिया जाए, जमीन आवंटित हो जाएगी? आप प्रश्न पूछा का इसमें, आप जो काम की बात करो ना, अनुकंपा राशि कब मिल जाएगी और जमीन कब अलॉट हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सदस्य का सवाल है प्रेम सिंह का, तो अब तक की जो सूचना उसमें 7 शहीद हुए, 7ों के नाम दिए, अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो आप मेरे को देना, जो उसको निकलवा के हम जो पैकेज के आधार पर उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में जब 9/9/22 के सर्कुलर निकाला, उसके बाद कई ऐसे शहीदों में जागृति आई जो लेकर आए अपने नाम, उसमें टोटल राजस्थान में 81 लोग आए थे, अगर उसमें होगा तो हम देख लेंगे, आप मुझे दे देना अलग से, मैं दिखवा लूँगा अधिकार से। दूसरा रहा आपका शहीद कूप सिंह के लिए जमीन देने का, जो हमने इंदिरा गांधी नहर पर 25 बीघे का जो प्रोविजन कर रखा है, उसमें इनसे मांगा था जवाब, तो इन्होंने आश्रित जो है उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी 20/9/22 को। अभी मैं जो हमारे कॉलोनाइजेशन के कमिश्नर है उससे बात करके ही आया था, ये उनके पास पहुंच गया, और बहुत जल्दी जो एक इनका जमीन अलॉटमेंट का तरीका है, वैसे गवर्नमेंट सीधा ही करती है, उनके पास हमने भेज दिया है, बहुत जल्दी अलॉट हो जाएगी। दूसरा रहा पूरण सिंह रावत का, इनको हमने बाकी नौकरी, दूसरी सुविधाएं, बस में निःशुल्क पैकेज, वो तो सारा दे दिया, जमीन भी दे दी, बाकी 25 इनकी नौकरी का पाली के कलेक्टर के पास विचाराधीन है कनिष्ठ लेखाकार के पद के लिए, वो भी जल्दी करवा देंगे, आज ही हम बात करके। दो ही आपने क्वेश्चन पूछे, तीन पूछे थे, एक का जो अध्यक्ष जी ने जैसा बताया मैं देख के प्रेम सिंह का दिखवा दूंगा, दो के हमने कर दिए लगभग, मैं बात करके आया हूँ, कंप्लीट बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगला प्रश्न, प्लीज ना लिमिट आई सेड प्लीज, रिलीफ मिल गया आप अजीब, कुछ धन्यवाद देना चाहिए मंत्री को, और ना प्लीज बैठे, ना प्लीज बैठे, जब आपको कह दिया नोटिस लेके मदद करेंगे, फिर भी आप उसको ये बोलना जरूरी है। अगला